नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। शाहजहांपुर के थाना रोजा इलाके में बीते कुछ दिन पहले दबंगों ने युवक की रोड पर बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद उसको जान से मार देने के फिराक में दबंगों का कहर देखने को मिला। युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बाहर गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की पूरी जानकारी पीड़ित युवक की बहन ने बताई। उसका कहना है कि वह अपने भाई के साथ बाजार से घर वापस आ रहे थे तो अचानक कुछ दबंग रास्ते में मिले और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान धारदार चीज से गले पर युवक की गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले को लेकर थाना रोजा में तहरीर दी, जिस पर रोजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। 12:12 की शाम 7:30 बजे मैं और मेरा भाई शेरा बाजार से आ रहे थे, तभी हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग बीच रोड पे बीच रास्ते में खड़े हुए थे। भाई ने उनसे हटने के लिए कहा तो उन लोगों ने उनसे मारपीट हाथापाई स्टार्ट कर दी है। मैं बचाने गई तो उन्होंने मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो लोग झुंड बना के एक दूसरे को मारने लग गए। उसमें पता नहीं उसके गले पे क्या वार किया, एकदम से उसका गला जो था बहुत जोर कट गया और उसके बाद खून निकलने लगे। फिर हमने 112 पे कॉल किया तो पुलिस वालों ने जाके उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कौन लोग हैं ये हमारे पड़ोस में रहने वाले? मुलायम, बबलू, राजेश है, राजेश्वरी है, संजू, अनिल और सुभाष, ये सब लोग हैं। इस मामले को लेकर आपने पुलिस केस किया है? जी, पुलिस केस किया है मैंने, पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है और अभी तक किसी को पकड़ा भी नहीं गया है। एक जने को पकड़ा था मुलायम को, उसको फिर उन्होंने शाम को छोड़ दिया और पुलिस बार बार दबाव बना रही, किसी एक का नाम लीजिए आप। अब आप क्या चाहते हो? जी, मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग थे, 8-10 वीडियो भी थी उसमें, उन लोगों को पकड़ के उनके साथ कानूनी कार्रवाई करें।